इज्तिमा से किया, नमाज जुमा के बाद भी तस्लीम रखे, हम मस्जिद जो है जारी रखेंगे। इससे पहले कि सदर की तकरीर से मस्जिद का इख्तिताम हो, हमारे जो आने वाले मुस्तकबिल है स्टूडेंट्स एजुकेशनल यूनिट ऑफ करगिल लद्दाख की तरफ से अरबाब इख्तियार के नाम पूरे जिले के जो तालीमी याफ्ता मर्दोजन है उनके कुछ ग्रीवेंसेस है वो सदर जमीयत उलमा के हुक्म से आप सभी की खुशगुजार और अरबाब इख्तियार से इस अहद और पैमान इस नींद और मुतालबे के साथ की जल्द अज जल्द इन अवामी मुतालबात को अमली जामा पहना है। पिछले साल अगस्त 2019 के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद जब से हमारा जो एसवाइल स्टेट था उसे मुनकसिम किया गया दो यूनियन टेरिटरीज के रूप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, करगिल के आवाम को अरबाब इख्तियार में बार बार हमारी जो हुकूमत है उन्होंने बार बार ये यकीन दहानी कराई कि आबादी की तनासुब के साथ जिले करगिल में जिंदगी बसर करने वाले आवाम भी हिंदुस्तान के मुअज्जज शहरी हैं, लिहाजा आपकी मुतालिबात जो जायज हैं उन्हें भी बाकायदा तौर पर जितने भी यहाँ के अवाम के मुतालिबात हैं उनको सुन के इंसाफ और मुनसिफाना तरीके से हुकूक अवाम को दिए जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती रही जब से यूनियन टेरिटरी बना लद्दाख इसके बाद से करगिल के साथ एक सोतीला सलूक एक नारवा सलूक रवा रखा गया जिसकी जिंदा मिसाल आप लोगों ने पिछले दौराने में बजट सेशन के दौरान सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्याम अमल में लाया गया और इसका जो हेडक्वार्टर है उसे भी लेह में कायम करने का फैसला किया। गवर्नमेंट के ऑफिसेस, कलेक्टर के ऑफिसेस, डिविजनल कमिश्नर के ऑफिसेस, क्लस्टर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जो भी कयाम अमल में आया सबका जो सेंटर है उसे लेह में रखा गया। जबकि करगिल के अवाम ने बारहा ये मुतालिबा किया कि यहां भी मरकजी ऑफिस कयाम करे ताकि यहां पढ़ने वाले जो बच्चे बच्चियां हैं यहां पे
تقریب کے لیے انشاءاللہ بعد میں جو اعلانات ہے ہم آپ کے پاس رکھیں گے. صدر انجمن جمعیت العلماء صدر مجلس یا ڈائز پہ تشریف لا کر صدارتی تقریر اور دعائے خیر کے ساتھ آج کے اس مجلس کا اختتام.